ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का बुक वर्क हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। बुक वर्क के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी और डी डिस्कस कर लिया था, और इसमें मैंने कुछ जो है आपको क्वेश्चन घर से करने के लिए आपको बताया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर ई स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए ग्रामर की, ठीक है, और बुक निकालने के बाद आप पेज नंबर 11 निकाल दीजिए। ग्रामर की बुक निकालनी है, ठीक है, सिक्स क्लास इंग्लिश ग्रामर और पेज नंबर 11, ठीक है। 11 में ई वाला जो क्वेश्चन है हम उसको रीड करते हैं। एंसर किल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। करना क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वो अंडरलाइन और सर्किल करना है। तो आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे जो है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे आपको एनसर्किल करना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन करना है। दोबारा सुन लीजिए, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें आपको सर्किल बनाना है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं आपके, जब मैंने आपको बताया था, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं आपके, जो कोई भी डायरेक्ट मतलब आपके नॉर्मल नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, दीज ऑल आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड जो आपके जो लिविंग थिंग्स होती है, लाइक मी, हिम, हिज, हर, ये क्या है आपके, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका माई फादर गेव मी अ बाइसिकल, ठीक है, तो माई फादर गेव मी अ बाइसिकल, बाइसिकल क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपको एनसर्किल करना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन को एनसर्किल करना था, तो बाइसिकल यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या कर देंगे, एनसर्किल कर देंगे। और मी आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अपन हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है। माई फादर गेव मी अ बाइसिकल, बाइसिकल को आप सर्किल में कर लीजिए और मी को जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, माई स्कूल हैज़ ऑफर्ड मी अ स्कॉलरशिप, माई स्कूल हैज़ ऑफर्ड मी अ स्कॉलरशिप, ठीक है। तो स्कॉलरशिप को जो है आप एनसर्किल कर दीजिए और मी को जो है अंडरलाइन कर लीजिए। स्कॉलरशिप को आप क्या करोगे, एनसर्किल कर लोगे, और मी को आप क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है। थर्ड वाला है, दे सेंट मी अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है, दे सेंट मी अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स को आप क्या कर लोगे, गिफ्ट्स को आप एनसर्किल कर लोगे। गिफ्ट क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है। फोर्थ वाला है आपका, ही ऑलवेज पेज द वर्कर्स देयर सैलरीज ऑन टाइम, ठीक है। तो सैलरीज जो है आपका, सैलरीज आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सैलरीज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सैलरीज को आप एनसर्किल कर लीजिए। और टी एच ई आई आर फोर्थ वाला है, जिसमें आपका दियर है, टी एच ई आई आर, दियर को आप क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है, तो दियर को आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिफ्थ वाला है आपका, द टीचर टोल्ड ऑल ऑफ अस अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, द टीचर टोल्ड ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो अस क्या है आपका, अस आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, और स्टोरी को आप जो है एनसर्किल कर लीजिए। स्टोरी आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टोरी क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 में आपको करा चुका हूँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपको जो है घर से करके लेकर आने, घर से करने, ठीक है। 5 तक मैं करा चुका हूँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपको घर से करने है। अब जो है एफ वाला जो क्वेश्चन है आपका वो है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट एस फॉर स्टेटमेंट, आई फॉर इंटेरोगेटिव, ई फॉर एक्सक्लेमेटरी, आई एम फॉर इम्पेरेटिव, ओ फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। करना क्या है, कुछ सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, इन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, और आपको आइडेंटिफाई करने के बाद ये बताना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है। इज इट अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इज दिस अ ऑप्टेटिव सेंटेंस, इज दिस अ इम्पेरेटिव, इज दिस अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपका अगर स्टेटमेंट है तो बॉक्स के आगे क्या आ जाएगा आपका, एस आ जाएगा। इंटेरोगेटिव है तो बॉक्स के आगे आई आ जाएगा, और एक्सक्लेमेटरी है तो ई आ जाएगा, और इम्पेरेटिव है तो आई एम आ जाएगा, ऑप्टेटिव है तो ओ आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस हमें रीड करने हैं, रीड करने के बाद हमें अब पता लगाना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, ठीक है। अगर ये आई एम है, इम्पेरेटिव है तो आई एम, इंटेरोगेटिव है तो आई, ऑप्टेटिव है तो ओ, और अगर जो है स्टेटमेंट है तो एस आ जाएगा, ठीक है। पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ कम हियर एंड हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स,
प्लीज़ कम ईयर एंड हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, तो आपका ये जो हो जाएगा ये इम्पेरेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है और रिक्वेस्ट में आपका जो क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ रिक्वेस्ट के लिए क्या आता है, इम्पेरेटिव आता है। ठीक है, तो आइए में आ जाएगा। Why were you abusing the old lady? Why were you abusing the old lady? तो why were you abusing the old lady इसमें आ जाएगा आपका आई, कैपिटल आई, इंटेरोगेटिव। इसमें क्वेश्चन को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, why यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, why were you abusing the old lady? ठीक है, थर्ड वाला है आपका कम एंड शो मी योर रिपोर्ट कार्ड, कम एंड शो मी योर रिपोर्ट कार्ड। थर्ड वाले में आपका जो आएगा इम्पेरेटिव। ठीक है, यह ऑर्डर है आपका, क्या है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं वो आपके इम्पेरेटिव होते हैं। तो थर्ड में क्या आ जाएगा, इम्पेरेटिव आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला है आपका लेट अस गो फॉर हॉर्स राइड। इसमें क्या है, ये लेट से जो भी स्टार्ट होते हैं वो आपके इम्पेरेटिव होते हैं। लेट से स्टार्ट होने वाले सारे सेंटेंस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है आपका शी हैड रीच्ड होम बिफोर इट बिगेन टू रेन, She had reached home before it began to rain. तो ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, ना तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना इसमें रिक्वेस्ट है, ये बस आपका सिंपल सेंटेंस है जो एक स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका S आ जाएगा, कैपिटल S। ठीक है, फिफ्थ वाले में आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल S आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ वाला है आपका वॉट अ लवली वेदर, फिर उसके बाद देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क लग रहा है, उसके बाद क्या लग रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग रहा है। और जिन सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है वो सेंटेंस आपके क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ में आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल ई आ जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट के अंदर कैपिटल आई एम आएगा, सेकंड के अंदर कैपिटल आई आएगा, थर्ड में कैपिटल आई एम आएगा, फोर्थ में आपका कैपिटल आई एम आएगा, फिफ्थ में आपका कैपिटल एस आएगा, सिक्स्थ में कैपिटल ई आएगा। ठीक है, और सेवन्थ वाला है आपका मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। इसमें जो है प्रे किया जा रहा है, विश किया जा रहा है, और जब प्रे और विश किया जाता है तो वो आपके होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस होते हैं आपके, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, तो इसमें ऑप्टेटिव के लिए क्या आएगा, कैपिटल ओ आ जाएगा बॉक्स के अंदर, कैपिटल ओ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सेवन्थ तक आपको बता दिए, एट्थ नाइन्थ टेंथ आपको घर से ट्राई करने हैं, एट्थ नाइन्थ और टेंथ आपको जो है घर से ट्राई करने हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई तक अपन कर चुके हैं, लास्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है जी। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बोथ इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बोथ इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, एक आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आपको आंसर करना है। फर्स्ट देखते हैं क्या है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ये क्या है क्वेश्चन है। तो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क अफर्मेटिव में कैसे बनेगा, यस आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, यस आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। और नेगेटिव में क्या बनेगा, नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, मतलब आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको अफर्मेटिव वाला सेंटेंस भी अफर्मेटिव में भी बनाना है और नेगेटिव यानी नॉट लगा के बनाना है। नेगेटिव में क्या लगेगा आपका, नॉट लगेगा, नेगेटिव में आपको क्या बनाना है, इसको नॉट बनेगा। ठीक है, और जैसे डिड द चिल्ड्रन टेल यू द ट्रूथ, क्या बच्चों ने तुम्हें सच बताया, डिड द चिल्ड्रन टेल यू द ट्रूथ। सेकंड वाला है जी का सेकंड बता रहा हूँ। ठीक है, डिड द चिल्ड्रन टेल यू द ट्रूथ, तो आपका जो अफर्मेटिव है अफर्मेटिव कैसे बनेगा, यस द चिल्ड्रन टोल्ड मी द ट्रूथ, यस द चिल्ड्रन टोल्ड मी द ट्रूथ। टोल्ड का मतलब होता है बताना, यस हाँ बच्चों ने मुझे सच बता दिया है। नेगेटिव कैसे बनेगा, नो द चिल्ड्रन डिड नॉट, डी आई डी, नो द चिल्ड्रन डिड नॉट आएगा। ठीक है, नो द चिल्ड्रन डिड नॉट टेल मी द ट्रूथ, आपको ये फिल करना है इसमें, नो द चिल्ड्रन डिड नॉट टेल मी द ट्रूथ, क्या आएगा, नो द चिल्ड्रन डिड नॉट टेल मी द ट्रूथ। नेगेटिव में आपका नो द चिल्ड्रन डिड नॉट टेल मी द ट्रूथ। ठीक है, थर्ड में आपका डू यू नो हाउ टू प्ले अ हारमोनियम, डू यू नो हाउ टू प्ले अ हारमोनियम, तो अफर्मेटिव में बनेगा यस आई नो हाउ टू प्ले अ हारमोनियम। ठीक है, यस आई नो हाउ टू प्ले अ हारमोनियम। ठीक है, यस आई नो हाउ टू प्ले अ हारमोनियम। नेगेटिव कैसे बनेगा, नो आई डू नॉट नो, नो आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हारमोनियम, नो आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले अ हारमोनियम। ठीक है, फोर्थ वाला है आपका आर यू गोइंग टू अटेंड द फंक्शन,
क्या तुम फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू अटेंड द फंक्शन? अफर्मेटिव, येस आई एम गोइंग टू अटेंड द फंक्शन. अफर्मेटिव में क्या बनेगा? येस आई एम गोइंग टू अटेंड द फंक्शन. नेगेटिव क्या बनेगा आपका? नो आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द फंक्शन. नो आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द फंक्शन. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में करा चुका हूँ आपको. फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट आपको घर से ट्राई करना है. एक बार नहीं है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है. ये चैप्टर नंबर फर्स्ट ग्रामर का द सेंटेंस मैंने आपको समझा भी दिया वीडियो में, और जो है इसका एक्सरसाइज भी मैंने वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट करानी है. आपको क्या करना है, इस बुक को फिल करना है पूरी को. ठीक है,